हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम लोग इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अपने पिछले ब्लॉग में ये देखा था कि आखिर ईंट कैसे बनती है, वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख रही होगी। अब हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या आता है कि अब आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो बनाओ कि आखिर ईंट की जो है प्रॉपर फिनिशिंग वो हम लोग के यूज़ करने लायक फ्रेंड्स कब होता है, उस जगह को दिखाओ भाई साहब। फाइनली वो जहाँ पे प्रिपेयर होता है फ्रेंड्स, वो जहाँ पे तैयार होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था। तो आइए इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि वो ईट कहाँ पे बनता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए चल रहे हैं फ्रेंड्स, दिखाएंगे आपको पूरा नज़ारा। तो फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में हैं और आप लोग को अभी दिखाएंगे कि अभी हम लोग रास्ते में पहुंच रहे हैं वहाँ पे। अब चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे ईटा बनता है फाइनली। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में आए हुए थे, देखिए इस जगह पे, यहीं पे ईट जो है, इनको ईट चाचा लोग जो है ईट को बना रहे थे। और जो कि अब देखिए वहाँ से वो भट्ठा दिख रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग आपको ले चलेंगे पूरी जगह और दिखाएंगे आपको कि पूरी तरह ईट कैसे तैयार होता है फ्रेंड्स। चलिए आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं फाइनली उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ईट को तैयार किया जाता है। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है। और अभी आपको दिखाएंगे कि अभी हमको लग रहा है ये भट्ठा जो है फ्रेंड्स चालू हो चुका है। तो चूँकि चालू हो चुका है तो ये फ्रेंड्स जो है अभी इसमें ईट को रख दिया गया है और वो अंदर जाके हम आप लोग को नहीं दिखा पाएंगे। वो अगर बंद रहता भट्ठा तो अंदर जाके दिखाते, लेकिन ये चालू हो चुका है। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये कोयला है जो भट्ठे को आग के लिए इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। देखिए कितनी भारी मात्रा में आया हुआ है, ये कई जगह आपको दिख जाएंगे। ये देखिए इतनी भारी मात्रा में आया हुआ है ये कोयला जो है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे हाथों में आपको दिख रहा होगा कितना मोटा मोटा, ऐसे लग रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप की तरह हुआ है। देखिए एक सिलेंडर की तरह लग रहा है ये, और इसी को डालकर आग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ईंटे को जो है पकाने में इसकी मदद की जाती है। तो चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं हम लोग फाइनली फ्रेंड्स भट्टे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए हम लोग जो हैं फ्रेंड्स फाइनली भट्टे के ऊपर आ चुके हैं। और ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसी के अंदर ईंट रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये आपको ऐसा देखने में तो नहीं लगेगा, लेकिन ईंट जो है फ्रेंड्स इसी के अंदर दबा हुआ है और वो तैयार हो रहा है, पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहा है। आपको चलिए दिखाते हैं, वो देखिए यहाँ भट्टे का कुतुब मीनार है ये। तो फ्रेंड्स आइए आपको दिखाते हैं इस भट्टे का कुतुब मीनार। ये देखिए आपको दिखाएंगे ये कितना बड़ा है, ये क्या है, ये देखिए अंदर ये कुछ उसको लग रहा है वही कोयले जो बता रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुतुब मीनार देखिए ये कितना बड़ा है, देखेंगे इसको ऊपर तक मेरी नज़र नहीं जा रही है फ्रेंड्स, इतना बड़ा ये कुतुब मीनार है। और इसके आगे क्या मैं भी 6 फुट का आदमी जो है एकदम बच्चे की तरह लग रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा ईंट जो है ये रखा हुआ है। और ये देखिए अंदर का नज़ारा आपको दिखाएं, ये पूरा देखिए कैसे तैयार किया गया। अब इसके अंदर जो है कोयलों को डाला जाएगा और इस ईंट को पकाया जाएगा। ये देखिए ये सब रखा हुआ है फ्रेंड्स, एकदम पूरा एकदम ईंट जो है इधर एक लगातार से लगते हुए जाएगा एक सीक्वेंस में, और फिर उसमें आग डाला जाएगा और तैयार किया जाएगा। आइए अंदर चल को अभी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ले कर चलते हैं आपको हम लोग गुफे के अंदर जहाँ पर ईंट तैयार होता है। तो देखिए लेके आने वाले हैं आप, हम लोग आपको बहुत अंदर लेके आने वाले हैं। ये देखिए कितना नीचे है, ऐसे हम लोग को कूद कर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए वीट जो है फ्रेंड्स, ये ईंटे जो हैं यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको ये अंदर का पूरा नज़ारा। ये देखिए ये पूरा एक गुफे की तरह लग रहा है फ्रेंड्स चारों तरफ का। और ये देखिए क्या है, आपको दिखाते हैं ये अंदर की चीज़, ये क्या है भाई है? ये तो ऐसे लग रहा है कि कुछ गुफा, वो देखिए फ्रेंड्स वो अंदर आपको दिख रहा होगा, वो पूरा पैक किया गया है ताकि कोई डेंजर ना हो। अंदर ईट जो है पक रही है, और ये वाला पोर्शन जो है भट्टे का फ्रेंड्स, वो जो है फ्रेंड्स वो ये वाला पोर्शन जो है पूरा भट्टे का खाली है। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं पूरा नज़ारा। ये पूरा नज़ारा है पीछे का फ्रेंड्स, ये पूरा नज़ारा है पीछे का फ्रेंड्स, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ईट इकट्ठा किया गया है एक जगह, ईट को अंदर रखा हुआ है। ये देखिए पूरा इस तरह से जो है फ्रेंड्स ये पूरा पैक कर दिया गया है। कम से कम फ्रेंड्स जो है इसके अंदर एक समय में अभी 5 से 6 लाख ईट जो है वो रखे होंगे, और अभी इतना पोर्शन जो है वो आप देख सकते हैं पूरा खाली है। तो सोच लीजिए एक समय में इसमें करोड़ों ईट जो है पकाए जा सकते हैं, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है, इतनी इसकी क्षमता है। तो देखिए चलते हैं आपको गुफे के अंदर जाकर दिखाते हैं ये क्या है भाई साहब। ये ओ माई गॉड, अनबिलीवेबल, ओ माई गॉड, ऊपर भी फ्रेंड्स जो है इसके ऊपर कुछ है और काफ़ी डरावना लग रहा है ये, हम क्या बताएं, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। चलिए बाहर आते हैं इसको।
बहुत ही डेंजरस जो है ये फ्रेंड्स जो है, ये लग रहा है काफ़ी नज़ारा, और पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए ये ईंट रखी हुई है, हम लोगों ने आपको दिखाया हुआ था कि ये ईंट कच्ची कच्ची थी, अभी ये कच्ची है, अंदर जाने के बाद जो है फ्रेंड्स वो अपने असली रूप में आ जाएगी, ये जो है वीडियो आ जाएगी फ्रेंड्स पूरा। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोगों ने दिखाया मैंने आपको पूरा कि ईंट कैसे तैयार होती है, किस जगह पर तैयार होती है, पूरी प्लेस को मैंने आपको दिखाई। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोग और किस तरह का ब्लॉग चाहते हैं। थैंक यू।